ये का तेल जलता है। आचार्य साहब, आप इस नाटक को दिल लगी न समझें, ये बहुत ऊंचा नाटक है, एक दिन ये जरूर कामयाब होगा। तुम मुझसे ज्यादा समझते हो, तुमको क्या मालूम कि पब्लिक को क्या चाहिए। आप ही बताइए क्या चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को जितना ज्यादा बेवकूफ बनाओगे पब्लिक उतनी खुश होगी, समझे? यही पब्लिक का राज है। ये पैसा राज है आचार्य साहब, लेकिन पब्लिक अब होशियार होने लगी है। पब्लिक होशियार होने लगी है? जिस दिन पब्लिक होशियार हो गई, मैं अपने ही हाथों इस कंपनी को ताला लगा दूंगा और मैं अपनी शानदार मूंछ को बीच बाजार खड़े होकर मंडवा दूंगा। हाँ, तुम नहीं जानते, पब्लिक हमेशा से बेवकूफ है और भगवान करेगा हमेशा बेवकूफ रहेगी, क्योंकि इसी में पैसा है, इसी में दौलत है। आचार्य साहब, नए विचार, नई कला, नए नाटक, जमाने की नई रफ्तार और नई रोशनी पुराने झूठ को नंगा करके पब्लिक के सामने रख देने वाले हैं, और ये नाटक याद रखिएगा जरूर कामयाब होगा, क्योंकि इसमें सच्चाई है, आदर्श है, गरीबों की विपता है, इसमें आंसू है। इसीलिए ये फेल हो जाएगा। पब्लिक खेल तमाशे में रोने पीटने के लिए नहीं, बल्कि हंसने हंसाने के लिए आती है, समझे? इस दमड़ी के नाटक को फेंक दो और चलते हुए नाच गाने बनाओ और अच्छी अच्छी नमकीन लड़कियां ढूंढ कर लाओ। झूठ कहो और झूठ कह के दुनिया को खूब बनाओ। जनता का उद्धार और कला की सेवा हमारा धंधा नहीं, हमारा धंधा है पैसा बनाना, पैसा। आचार्य साहब, दिल से जो आवाज उठती है खाली नहीं जाती। जिस किसी ने ये नाटक लिखा है अपने खून से लिखा है, हम इसे तैयार करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भाई? आई खड़े खड़े क्या होंगे जी, काम करो। आई तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी? ये बहुत बीमार है मुंशी। बीमार है? इसको दिल की बीमारी। दिल की बीमारी, रईसों वाली बीमारी है। देखिए साहब, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो बीमारी का शौक फरमा लीजिए या काम कीजिए। आप काम नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। ये लीजिए आज की अठन्नी और रुख्सत हो जाइए। मेरा मतलब पूछा करो, ये उठे बीमारी मत। तो काम करो जी, मुंह कहता करो, तुम काम करो जी। राजबाबू, हमारी बाड़ी पे काका आया था। वो बोला कि वो एक ठो नई बाड़ी है ना, उधर राजबाबू काज करने को जाता है। राजबाबू, तुम्हारा मन तो बहुत खुशी हो गया। राजबाबू, तुमको धंधा मिल गया था राजबाबू, है ना? हाँ शेफाली, घड़ी भर के लिए धंधा मिल गया था, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया। की जाने की बोल छे? हाँ शेफाली, दिल ने साथ नहीं दिया, जमाने ने साथ नहीं दिया, और बहुत दूर जाने वाले ने बहुत दूर जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। राजबाबू, गुड़िया गुड़िया, तुम कोई ऐसा साथी ढूंढ लो जो तुमको आधे में न छोड़ दे।
आने वाले महीने और सालों की तो बात और है। मुझको अब आने वाली कल का भी भरोसा नहीं रहा। ऐसा मालूम होता है मंजिल बहुत करीब आ गई है। देखो जी, हम बिठवा देंगे पर ऊपर पग ना धरेंगे। हमने पहले कभी अपनी कसम तोड़ी है? आ भी जाइए श्यामू भैया। चले चलो मामा जी, चले चलो। छोड़ो जी, हम ऊपर ऊपर ना जाएंगे। हम तो बस इतना पूछने आए थे कि बाल बच्चे कैसे हैं। हाँ हाँ, और अपनी बिटिया से कह देना कि हम उसका कागज कचरा लेने रोज रोज नाटक कंपनी जावे हैं। अरे पर वहां कोई हमें अंदर ही ना घुसने दे तो हम कहा करें। कभी दाव लग गया तो उड़ा लाएंगे। हाँ, और ऊपर तो हम पग ना धरे, हमने कसम खाई है। हाँ। मामा जी, हमारी कसम, ऊपर आइए। हमारे जूतों के उल्टिया टैट कर दूंगा शहर भर का। हमारी कसम, हमारी कसम, बस मामा का उल्लू बनाते फिरो। दमड़ी का मामा कहाँ मिल गया है? लड्डू बना के खाइयो लड्डू। जब देखो अपनी कसम खा के हमारी कसम तोड़वा देवे ये लोग, गजब है। मैं शहर भर का उल्टिया टैट कर दूंगा। राज, तुम भी हो खूब खूब हंसो ना तुमने। बिटिया ने अपनी कसम खा के हमारी कसम फिर तोड़ दी। जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे, आज तो तमाम बच्चों के साथ मिलके खूब खूब हंसेंगे। मामा जी, चलो। छोड़ो जी, देखा तुमने कागज बनती हमारी इस घर में। इसका क्या है श्यामू भैया, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। चल पारो, मामा जी से कह दो हम पागल, हमारा क्या, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। जाने क्या सोचते सोचते भेजा फटने लगा था। बेचारे मामा जी सामने आ गए और मैं जाने क्या क्या पक गया। फिर ऐसा नहीं होगा। चली जा, चली जा।
चले जा छोड़ के दुनिया गमों की दुनिया आहों की दुनिया चले जा चले जा आपने तो दोबारा न मिलने का फैसला कर लिया था। इतना बता दीजिए कि ये गीत आपको कहां से मिला? जिस नाटक कंपनी में मैं काम करता हूं कोई साहब एक नाटक छोड़ गए थे, ये गीत उसी नाटक का गीत है। इस गीत ने मेरी जिंदगी में हलचल पैदा कर दी है। ये गीत जिंदगी में हलचल पैदा कर सकता है? दर्द भरे दिल से जो आवाज उठती है खाली नहीं जाती, ये पुराना दस्तूर है। बताइए बताइए ये ठीक है या नहीं? जो कहा था आज फिर दोहराना होगा। दिल की दिल ही में रहने दीजिए आनंद बाबू। लेकिन आपने इसकी वजह नहीं बताई। ये जान लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने मनोस्कम की परछाई आप में नहीं पड़ने दूंगी। ये मेरा फैसला है, ये मेरा फैसला है। तो फिर मुझे भी इतना बता दीजिए कि मैं अपनी बर्बाद दुनिया लेकर कहां जाऊं? सुबह शाम जब आप ही आप मेरे दिल में समाई रहे तो फिर मैं क्या करूं? मेरी मोहब्बत को दिल से निकाल देना होगा आनंद बाबू। मुझे बिल्कुल बिल्कुल भूल जाना होगा, बिल्कुल भूल। खांस नहीं है आप, बीमार हैं आप? कब से बीमार हैं आप? मैं बीमार नहीं हूं आनंद बाबू, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं। आपने मुझसे अलग रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन शायद अभी तक मेरे दिल की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। सुनिए, गौर से सुनिए, दिल आपको वचन दे रहा है। आपके साथ साथ जिएंगे, आपके साथ साथ मरेंगे, लेकिन मैं आपको मरने न दूंगा, मैं आपको मरने न दूंगा। जिस दिए में तेल न हो उसको जलने का क्या अधिकार? जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? जिस दिए में तेल न हो उसे जलने का क्या अधिकार? लेकिन दिया खुद कभी नहीं जलता, दिए का तेल जलता है। तेल जल के जब पूरा हो जाए तब? तेल जलकर जब पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? तेल जलकर जब पूरा हो जाएगा तब क्या होगा?
सुबह हो जाएगी। सुबह कभी नहीं होगी। सुबह कभी नहीं होगी। सुबह कभी नहीं होगी। पारो पारो, तुमने बताया क्यों नहीं कि हम लोग तुम्हारा लिखा हुआ नाटक है, तुम्हारे दिल की आवाज है। पारो, मैं और मेरे साथी कलाकार तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारा ये नाटक, तुम्हारे दिल की ये आवाज दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचा दी जाएगी। दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचा दी जाएगी। सुनील, 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 यहाँ आओ सुनील। मैं अभी पारो से मिलकर आ रहा हूँ। वो राजी हो गई है सुनील। अब वो अपने लिखे हुए ड्रामे में हमारे साथ काम करेगी। सुनील, कितनी अच्छी बात है। सुनील, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारा ड्रामा जरूर कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा। सुनील, तुम जो चाहो सो कर लो, लेकिन तुम्हारा होगा मुझे तुझसे शिकायत होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कुंदन। अपने को यार की यारी से मतलब है। तूने जो भी किया सो ठीक किया, बस यही कहना। राज, मैं तुमको बोला था ना कि मैं दिल का बहुत काला आदमी हूं। पर राज, तू क्या ऐसा समझता है कि मैं अपनी खुशी से ये किया? बदमाश लोग तेरा सब पैसा मेरे से जुए में लूट लिया, क्या करेगा राज?
दुनिया जैसा है। राज, राज तू मेरे को जूते से मार, तू मेरे को गाली दे, मन नहीं हूं, मैं जानवर हूं राज, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। कुंदन, मैं भी चोर हूं, मैंने भी अपने बाबा ने चुराई। नहीं राज, मैं बहुत नीच आदमी, तेरे को अपना जिगरी दोस्त बनाया और तेरा माल लेकर भाग गया राज, मैं बहुत नीच आदमी। कुंदन, अपने को यार की यारी से मतलब है। नहीं नहीं राज, नहीं, मेरे को यार मत बोल, मेरे को दोस्त मत बोल राज, मैं बहुत नीच आदमी हूँ। तू मेरे को मार, मेरे को मार राज, मेरे को खूब मार, ये तभी से मेरा दिल को शांति होगा। आज बहुत रोने को मन करता है राज, बहुत रोने को मन करता है। तेरे पास आंसुओं की पूंजी है, तू रो के शांत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अपनी तो आंसुओं की पूंजी भी जमाने ने कब से लूट लाट के चौपट कर दी। बचा खचा दिल का सहारा रह गया था, सो वो भी जाता रहा। लेकिन अपने को किसी से गिला शिकवा नहीं है, अपने को अपनी ही कमजोरी और अपनी ही बेबसी से शिकायत है। पंडराज, कोई बोलेगा कि ये दुनिया कैसी है, ये कैसी दुनिया है राज? बहुत मीठी, बहुत मजे की दुनिया है। क्या नहीं है इस दुनिया में, सभी कुछ है, लूट खसूट है, अंधेर है, बेदर्दी है, भूख है, बेकारी है, बर्बादी है, सब कुछ है। तो फिर भगवान ऐसी दुनिया को चौपट क्यों नहीं कर देता राज? ये नेक काम भगवान ने आदमी को सौंप रखा है और आदमी इसको बड़ी शान के साथ पूरा कर रहा है। ये जो कुछ तू देख रहा है सब अंधेर है, झूठ है, लगी लिपटी है, बनावट है, अन्याय है। तू क्या और मैं क्या, हम सब चोर, सब गुंडे, इस कुचल देने वाली बड़ी दुनिया के जहरीले कलपुर्जे। तू भी और मैं भी, खड़ी भर के लिए तेरे भीतर का जागा हुआ ये इंसान फिर से सो जाएगा, तू फिर चोरी करेगा, फिर भूखों मरेगा। जमाने का यही दस्तूर है राज। क्या आपने को शांति कभी नहीं मिलेगा? शायद कभी नहीं मिलेगी। तो अपना दुख का कौन भी उपाय नहीं करेगा? शायद कोई नहीं करेगा। तो अपन क्या चोर और बदमाश का माफ अगर सब मरा मरा फिरेगा राज? कुंदन, तू चोर है और अगर दुनिया नहीं बदली तो तू चोर ही रहेगा। चोर रहेगा, चोर रहेगा। तो हमको राज ये दुनिया नहीं मांगता, ये दुनिया एकदम नहीं मांगता राज हमको, इसमें हमको जीने को भी नहीं मांगता है, हमको इसमें कुछ नहीं मांगता है राज, कुछ नहीं मांगता है हमको। कुंदन, तुम्हें हमारे साथ पुलिस चौकी चलना होगा। माँ जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि भैया किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते, वो किसी की जान नहीं ले सकते। मैं भैया को खूब जानती हूँ, मैं भैया को खूब जानती हूँ। भैया बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े आदमी है। किसकी आवाज है?
आ गए बाबा। आ गया बेटी। नहीं निकल सबकर मर जाता तो अच्छा होता बेटी। छह महीने बाद लाला घर लौटे ये के लिए कि बेटे ने किसी की जान ले ली। यकीन जानिए बाबा, भैया किसी की जान से खेल नहीं सकते। What else did he ask you? और उसने तुमसे क्या पूछा? What else did he ask you? उसने पूछा भगवान ऐसी दुनिया को चौपट क्यों नहीं कर देता। ये एक ऐसा सवाल था जो उसके मुंह से निकला और जमाने भर में गूंज गया। कुंदन की अशांत और बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए मेरे पास इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब था और वह बिल्कुल ठीक था। सो मैंने जवाब दिया। मैंने अपने दोस्त कुंदन को बताया कि दुनिया को चौपट कर देने का काम भगवान ने आदमी को सौंप दिया है और आदमी इस काम को बड़ी शान के साथ पूरा कर रहा है। कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता। सब मानते हैं, सब जानते हैं कि आजकल का इंसान दुनिया के हसीन आंगन में बर्बादी का एक बहुत बड़ा नाटक रचा रहा और बेशर्मी का चक्रवर्ती नाटक, आलमगीर नाटक। इंसान ने सब पा लिया लेकिन इंसान ने इंसान की मोहब्बत गंवा दी है और यही आजकल के आदमी का सबसे बड़ा कारनामा है। इंसान की ऊंची उड़ने वाली नजर आसमान के चांद और तारों तक तो पहुंच सकती है मगर पड़ोस के लुटे हुए और बर्बाद साथी के आंसुओं तक नहीं पहुंच सकती। यही कुंदन का शिकवा था जो आंसुओं की मैली बूंदें बनकर मट्टी में मिल गया। कौन जाने, भगवान ने भी कुंदन की बर्बादी का वो अफसाना देखा या नहीं। लेकिन मैं अपने प्यारे दोस्त कभी नहीं भूल सकता। वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन जमाने ने हमेशा की तरह उसको भी इंसान बनने से रोक दिया। तकदीर और जमाने ने मेरा दोस्त मुझसे छीन लिया। फिर भी मैं अपने दोस्त अपने कुंदन को कभी नहीं भूल सकता। वो अब भी जिंदा है। इंसान कभी नहीं मरता। राज,
के दिन तेरा भी जमाना आएगा। गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। बदल ही जाएगा जहाँ बहार आनी जाएगी, गुजर ही जाएगी फिजा। गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। सितम के तीर खाए जा, मगर कदम बढ़ाए जा, यही है शान जिंदगी, नए दिए जलाए जा, तू आंसुओं के ताज पर खुशी के गीत गाए जा। गाए चला जा, गाए चला, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। जमी भी तेरे साथ, आसमां भी तेरे साथ है, जो तू जहाँ के साथ है, जहाँ भी तेरे साथ है। ये गीत है जहान की, ये गीत है नसीब का, अमीर फातिमा बहुत जमाना है नसीब का। जमाना है गरीब का, जमाना है गरीब का। तेरा भी घमाना आएगा, चला जाए, चला।